चेन्नई सुपर्स किंग ने आईपीएल ऑक्शन 2021 में ऑलराउंडर को खरीदने की अधिक दिलचस्पी दिखाई है। बता दें आपको कि पहले फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल को खरीदने के लिए 14 करोड़ रुपए तक की बोली लगा दी थी, जबकि उसके पास सिर्फ 19 करोड़ रुपए ही थे। यानी मैक्सवेल पर टीम 75% राशि खर्च करने को तैयार हो गई थी, लेकिन आपको बता दें कि अंत में मैक्सवेल को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 14.25 करोड़ रुपए में खरीदा। इसके बाद ही टीम इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली के पीछे सीएसके जोड़ लगाने लगी। बता दें आपको कि किंग्स इलेवन पंजाब और चेन्नई के बीच मोइन अली को खरीदने की होड़ लगी। अंत में चेन्नई ने मोइन अली को 7 करोड़ रुपए में खरीद लिया। दरअसल आपको बता दें कि मोइन अली का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था, यानी वो अपने बेस प्राइस से 3.5 गुना महंगे बिके हैं। बता दें कि ऐसे में गंभीर ने मोइन को धोनी का मास्टर स्ट्रोक बताया है। उन्होंने कहा है कि मोइन अली ओपनिंग भी कर सकते हैं और स्पिनर के तौर पर धोनी उनका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बता दें आपको कि मोइन अली के T20 करियर को देखें तो उन्होंने 167 मैच में 25 की औसत से 3513 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 140 का रहा है। बता दें कि 2 शतक और 19 अर्धशतक लगा चुके मोइन अली गेंदबाजी से भी अच्छा कमाल दिखा सकते हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 110 विकेट लिए हैं, 34 रन देकर 5 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बता दें कि भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में एक ओवर में लगातार 3 छक्के लगाए थे मोइन अली ने। इसी के बाद से आईपीएल में उनकी अच्छी बोली की बात कही जा रही थी और कुछ इस तरीके से सीएसके ने मोइन अली को 7 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अब मोइन अली सीएसके की जर्सी में आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे और देखना दिलचस्प होगा कि माही यानी महेंद्र सिंह धोनी किस तरीके से मोइन अली का इस्तेमाल करते हैं। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।